नमस्कार दोस्तों, केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, अक्सर कपिल जी हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं, आपने हमारी भी कुछ वीडियोस देखी हैं जिसमें कपिल जी हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन आज हमने सोचा कि कपिल जी से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएं। और बेसिकली ये जो क्वेश्चंस मैं आज लेकर के आया हूँ, वो क्वेश्चंस मैंने इनकी मैगजीन पढ़ी अप्रैल 2022 की। आप लोगों ने भी ऑलरेडी उसे सब्सक्राइब किया हुआ होगा। GST की जो इनकी मैगजीन है, उसमें इनके कुछ क्वेश्चंस थे, उसमें कुछ आंसर्स थे, लेकिन वहां पर मुझे थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैंने कपिल जी से हम 1-to-1 बात करें और कपिल जी से समझे, उन क्वेश्चंस के बारे में उनके आंसर्स जाने कि भाई कपिल जी ये क्या है, क्योंकि आपकी मैगजीन में इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी है, काफी अच्छी जानकारी से मिलती है, लेकिन उसमें भी फर्दर हमें कुछ डाउट था, तो हमने कहा कि चलिए आपसे एक बार सीधे बात कर लेते हैं। तो कपिल जी शुरुआत करें। जी जी सर। तो कपिल जी, जैसे आपकी मैंने अप्रैल 2022 की मैगजीन पढ़ी और उसे जब पढ़ने के बाद मुझे एक क्वेश्चन पे मेरे को डाउट ये होता है कि सपोज मैं मार्च के महीने की ही बात करता हूँ कि मैंने मार्च के महीने में किसी प्रोडक्ट की सप्लाई की, मैं सप्लायर हूँ, मैं प्रोडक्ट की सप्लाई करता हूँ, ठीक है। अब हुआ ये कि मैंने वो बिल इशू किया 31 मार्च को, जी जी, और आपने उस प्रोडक्ट को परचेज किया और आपके पास में वो मेटेरियल जो आया वो अप्रैल मंथ में आया, रिसीव हुआ, जी। तो क्वेश्चन ये आता है कि मैं अपनी जब GSTR 1 फाइल करूंगा तो क्या मुझे उसको GSTR 1 को मैं दिखाना होगा, 31 मार्च वाला बिल, और दूसरा यदि मैं उसे GSTR 1 में दिखा देता हूँ तो उसके बाद में आप उसका क्रेडिट कब ले सकते हैं? देखिए, इसमें प्रभाकर भैया बहुत क्लियर सा है। देखो, हमें ना पहली चीज ये समझना है कि पोर्टल अलग है और लो अलग है। तो अगर पोर्टल और लो में लड़ाई होगी तो हमारे को ना लो के हिसाब से चलना है, हमें पोर्टल के हिसाब से नहीं चलना है, ठीक ठीक है। अब क्या होता है कि भाई एज ए सप्लायर, ठीक है, जब आप अपनी GSTR 1 फाइल करोगे, क्योंकि वो आपकी सप्लाई मार्च महीने की है, तो आप उसे मार्च महीने में ही बिल इशू करोगे और अपनी मार्च महीने में ही GSTR 1 में दिखा दोगे। जैसे ही आप उसे अपनी GSTR 1 में दिखा दोगे, वो मेरे 2B में आ जाएगा। लेकिन एज ए रिसिपियंट, जब मैं ITC क्लेम करने जाता हूँ, तो ITC के लिए हम सेक्शन 16 को पढ़ते हैं। तो सेक्शन 16 ये कहता है कि भाई किसी भी गुड्स या सर्विस का ITC आप तब तक नहीं ले सकते जब तक वो गुड्स और सर्विस आपको रिसीव ही ना हुई। बिल्कुल, ठीक है, चाहे आपके पास बिल भी आ गया है, ठीक है ना, चाहे सामने वाले ने पेमेंट भी कर दिए, सब चीज कर दी, लेकिन जब तक वो आपको रिसीव नहीं हुआ तब तक आप उसका ITC नहीं ले सकते। अब वो बिल जो है मुझे रिसीव हो गया मार्च में, लेकिन गुड्स रिसीव हुए मेरे को अप्रैल में, तो इसका मतलब सेक्शन 16 की कंडीशन के हिसाब से मैं इलिजिबल होता हूँ अप्रैल में उसका ITC लेने के लिए। मतलब कि अप्रैल की रिटर्न जो मैं मई में फाइल करूंगा 20-22 मई में, उसमें मैं इलिजिबल होता हूँ, तो उसका ITC मुझे उसी मंथ में लेना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ही आता है कि भैया 2B में तो ITC वो मार्च में रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, बिल्कुल, ठीक है, और अगर आप उसे मार्च में नहीं लोगे तो गवर्नमेंट को तो कोई दिक्कत नहीं, 2B में आया तुमने उससे कम ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप उस ITC को अप्रैल में क्लेम करोगे तो वहां पर वो 2B में नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल, तो वो जब आप उसे क्लेम करोगे तो रेड मार्क आ जाएगा, तो रेड मार्क आने के बाद नोटिस आ जाएगा। तो भैया ऐसा अगर नोटिस आता है तो आने दो, लेकिन अगर मैं उसे मार्च में क्लेम करूंगा तो तब भी मुझे नोटिस आ सकता है, तब मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। लेकिन अप्रैल में जब मैं क्लेम करता हूं, अगर मुझे नोटिस आता भी है तो मुझे डरना नहीं है, क्योंकि मैं एज पर लो हूं, 2B में अगर वो पहले आ गया, ठीक है ना, तो इससे कोई गवर्नमेंट का नुकसान नहीं है, मेरे सप्लायर ने पहले टैक्स पे कर दिया, मैंने बाद में ITC क्लेम कर लिया, तो गवर्नमेंट का कोई नुकसान नहीं है। लेकिन एज पर लो आप उसे अप्रैल की 3B में ही क्लेम करें, क्योंकि बहुत सारे ऑडिट के अंदर ये देखा गया है कि अगर आपने उसे मार्च में क्लेम कर लिया तो जो ऑडिटर है, ठीक है ना, उन्होंने ये चीज निकाल कर बैठ गए कि भाई इसका ITC तो आप ले ही नहीं सकते थे, तो वहां पर उन्होंने इंटरेस्ट पेनल्टी काफी चीजें लगाई, फिर बाद में उन्हें समझाया गया, तो आप इसका ITC मेरे हिसाब से अप्रैल में ही। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप भी अब इस बात को समझ गए होंगे कि हमें ITC कब लेना है। हमें मार्च में ITC नहीं लेना है, क्योंकि हमें एच पर लॉ चलना है, प्रैक्टिकली नहीं। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं, जैसा कि कपिल जी ने बताया, अगर हम अप्रैल में भी लेते हैं, नोटिस आता है, तो नोटिस में हमें सिंपल यही तो रिप्लाई देना है कि जी इसका मार्च में अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो मार्च में मैंने उसका ITC नहीं लिया है, वहां पे मेरा 100 ITC है जी, और अप्रैल में मैं ITC ले सकता हूँ। और दूसरी बात, आप ITC अगर हम लॉ के अकॉर्डिंग भी चले तो आप सितंबर महीने तक आप ITC को क्लेम कर सकते हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर का, तो आपके पास दूसरे ऑप्शन में भी है कि जी मेरे पास राइट है सितंबर तक क्लेम करने का, बिल्कुल, तो आप अप्रैल के महीने में ही ITC को लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अब आपका भी क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब अगला क्वेश्चन पूछते हैं। अगला है हमारा कि सर, मैंने GSTR 1 फाइल कर दी, ठीक है, और मैंने उसमें इनवॉइस आपके चढ़ा दी, ठीक है,
आपने 14 तारीख के बाद उसका आपके 2B में उसको दिखाई दे गया, हाँ। आपने उसका ITC क्लेम कर लिया, आपने 2B फाइल कर दिया। मैं अपनी 3B में अपनी फाइल नहीं करता हूँ, अब आप उसका ITC ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे? आप इस चीज को भी समझिएगा। देखिए, यहाँ पर जो GST है वो बेसिकली सप्लायर बेस है। अब सप्लायर बेस GST में क्या कहा गया है कि भाई जैसे ही वो GSTR1 फाइल कर देगा 2B में आ जाएगा, तो आप उसका ITC ले लेना। लेकिन बहुत सारे सप्लायर कर क्या रहे हैं, अपनी GSTR1 तो फाइल कर दी, बिल्कुल, लेकिन उन्होंने 3B फाइल नहीं करी। अब जब मैं ITC ले रहा हूँ तो मुझे ये नहीं पता कि उसने 3B फाइल करी या नहीं करी। क्या पता उसकी भी डेट एक ही हो, मेरी भी डेट एक ही हो, तो या तो मुझे 24 तारीख के बाद ही पता लगेगा कि वो 3B फाइल करेगा या नहीं। तो यहाँ पर रिसीपिएंट के एंगल पर ये कहीं नहीं लिखा कि भाई सामने वाला जब आप 3B फाइल करेगा तभी आप उसका ITC लोगे। लेकिन जब आप सेक्शन 16 पढ़ते हो दोबारा से ITC का, उसमें ये कंडीशन बिल्कुल लिखी हुई है कि अगर इस वाले बिलो पर टैक्स पेड नहीं हुआ गवर्नमेंट को, तो आपको हम ITC नहीं देंगे। लेकिन हम ये एज्यूम करके चलते हैं एज ए रिसिपिएंट कि हमारा सप्लायर अपनी 3B फाइल कर देगा, तो हमारे को उसे चेक नहीं करना है, ठीक है, जब हम उसका ITC क्लेम कर रहे हैं। हालांकि जब उसकी ड्यू डेट निकल जाए, जब 3B की ड्यू डेट्स निकल जाए, तब आप पोर्टल पर चेक कर सकते हो कि मेरे सप्लायर ने 3B फाइल कर दी या नहीं करी, या वहां पर भी है जो IFF वगैरह आता है वहां पर भी ऑप्शन दिखाई देता है। कई सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिसमें यह भी पता लग जाता है कि सप्लायर ने 3B फाइल करी या नहीं करी। तो अगर आपका सप्लायर वहां पे 3B फाइल नहीं करता है, तो आप उसे रिमाइंड करा सकते हो। हालांकि GST लॉ में अगर आप अपनी 1 फाइल कर देते हो और 3B फाइल नहीं करते हो, तो सप्लायर के एंगल पर भी डिफॉल्ट है और वहां पर उसके भी सख्त प्रोविजन दिए गए हैं कि आप नेक्स्ट मंथ की IFF नहीं कर सकते, GSTR1 नहीं कर सकते। लेकिन रिसिपिएंट के एंगल पे ऐसा कुछ नहीं है, आप ITC आराम से ले लो, लेकिन उसे वॉच करते रहो कि सप्लायर फाइल कर दे। क्योंकि अगर उसने एट ऑल नहीं करी, मतलब कि आपने बिल ले लिए और उसके बाद उसने 3B फाइल नहीं करी, या 3B फाइल करी तो उसके अंदर उसने बोकस ITC से पेमेंट करी और नट सेल में गवर्नमेंट के पास अगर GST नहीं पे हुआ, तो इस केस में आपको नोटिस आ सकता है कि भाई आपने सेक्शन 16(2)(c) की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी, तो हम आपको ITC नहीं देंगे। तो फिर बेस्ट ऑप्शन ये है कि अगर आपने क्लेम लेना है आपको ITC का, तो आप एक बार 3B फाइल होने के बाद में एक बार उनके पोर्टल पे जाकर के एक बार चेक कर ले कि वो 3B फाइल कर पाए या नहीं कर पाए। नहीं कर पाए तो उनको रिमाइंड करें, और यदि वो उसके बाद भी अगर 3B फाइल नहीं करते तो आगे उनके साथ बिजनेस बिल्कुल ना करें। चलिए, बहुत अच्छा। अब एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जी जी। वो इंटरेस्ट से रिलेटेड है जी। बेसिकली क्या होता है कि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि यदि हम टैक्स का पेमेंट लेट करते हैं तो हमें इंटरेस्ट भी देना होता है जी। लेकिन 3B के अंदर कहीं पर ये ऑटो पॉपुलेट होकर के नहीं आता, और हमारी एक गंदी आदत पड़ चुकी है अब कि GSTR1 की फिगर भी ऑटो पॉपुलेट होकर के आ रही है, 2B भी ऑटो पॉपुलेट होकर के आ रहा है, तो हम तो कहते हैं कि साहब रिटर्न भी ऑटो सबमिट हो जाए। तो चलिए, वो ऑटो सबमिट भी किसी दिन हो जाएगी, लेकिन अब हम इंटरेस्ट का क्या करें जब आ नहीं रही इंटरेस्ट की फिगर, तो क्या मुझे इंटरेस्ट जमा कराना चाहिए या नहीं? इन्हीं सब सवालों के लिए ना हमने ना इस बार हमारा जो संडे को ना वेबिनार है जी, ठीक है ना, संडे को शाम को 4 से 7 बजे तक हमारा वेबिनार है, जिसमें हमारे पार्टनर CA गोविंद सिंगला जी भी स्पीकर है और मैं भी स्पीकर हूँ। इसमें हम ना बैलेंस शीट कैसे फाइल करें, ये सारी चीजों के बारे में बताएंगे, और इस तरह के जो जनरल क्वेश्चन है वो भी बताएंगे। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं कराए तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके इन्हें ज्वाइन जरूर कर ले। अब भैया, आपका जो क्वेश्चन है ये इंटरेस्ट वाला, दिक्कत पता है लोगों को क्या होती है, वो क्या करते हैं, न्यूज में से GST पढ़ लेते हैं, व्हाट्सअप पे से GST पढ़ लेते हैं, वो लो नहीं पढ़ते। जब आप इंटरेस्ट का लॉ पढ़ोगे, सेक्शन 50 को पढ़ोगे, सेक्शन 50 के प्रोविजो को पढ़ोगे, उसमें क्लियर बात ये लिखी हुई है कि अगर आपका अप्रैल महीने की कोई लाइबिलिटी है, अप्रैल महीने की लाइबिलिटी है, और अगर आप अप्रैल की 3B लेट फाइल कर रहे हो, मतलब कि दिसंबर में फाइल कर रहे हो, और आपके क्रेडिट लेजर में बैलेंस है, ठीक है ना, तब हम आपसे इंटरेस्ट नहीं लेंगे। लेकिन आपने अप्रैल की 3B फाइल कर दी और अप्रैल की कोई लाइबिलिटी रह गई, अप्रैल का कोई बिल रह गया, और आप उस बिल को दिसंबर में दिखा रहे हो, नवंबर में दिखा रहे हो, या मतलब कि DRC 03 से पे कर रहे हो, मतलब कोई भी अप्रैल की लाइबिलिटी आप आगे वाले महीनों में पे कर रहे हो लेकिन रिटर्न से नहीं कर रहे, या दूसरी रिटर्न में कर रहे हो, उस वाले केस में इंटरेस्ट आपको जमा करना होगा। अब वैसे तो पोर्टल इंटरेस्ट अपने आप कैलकुलेट कर देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने अगर नहीं करा है तो इसमें 2 व्यू पॉइंट है। हम क्लाइंट से ये कहते हैं कि भाई अगर तुम्हें इंटरेस्ट जमा करना है तो अभी जमा कर दो,
ठीक है ना, जितना भी आप अपने हिसाब से ऑटो कैलकुलेट करो, अपनी मैनुअल कैलकुलेशन करो, जमा कर दो और पीस ऑफ माइंड से जियो। एक दूसरा ओपिनियन हम उसे कहते हैं कि अगर तुम पे अभी पैसे नहीं है कोई बात नहीं, तुम टैक्स को जमा कर दो और इंटरेस्ट अभी जमा मत करो। अरे सर अगर इंटरेस्ट जमा नहीं करो तो पेनल्टी नहीं लग जाएगी? नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। होगा क्या, इन फ्यूचर में जब कभी आपके पास नोटिस आएगा तो वो सिर्फ इंटरेस्ट का ही आएगा, ठीक है ना, तो आप उस टाइम पर इंटरेस्ट जमा कर देना। तो यहाँ पर आपका कोई भी डिफॉल्ट मेरे हिसाब से नहीं होगा, तो आप अपने आप भी जमा कर सकते हो या आपका नोटिस भी कर सकते हो। तो इसका मतलब यह हुआ कि बेटर पोजीशन तो यह है कि हम अपने इंटरेस्ट को टाइमली जमा करा दें, जिस महीने हमें टैक्स जमा कराना है उसी समय जमा करा दें, क्योंकि जब नोटिस आएगा तो फिर अननेसेसरी का फिर एक मेंटली भी प्रेशर आपके ऊपर बनता है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस हमने आज कपिल जी से पूछे, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में होंगे तो कपिल जी की जो वेबिनार है उस वेबिनार को जरूर ज्वाइन करें, 4 से 7 का समय है और यहाँ पर आपके सभी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि 3 घंटे की वेबिनार है और आपको यहाँ पे बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और भी लोग जो क्वेश्चंस पूछेंगे वो अभी आपको मालूम पड़ेंगे कि वो क्या क्या क्वेश्चंस हैं और वो जरूर आपके काम के होंगे। अच्छा मैं अपने दर्शकों से एक माफी मांगता हूँ कि भाई जो हमारी मैगजीन होती है ना, तो मैगजीन में हम कोशिश करते हैं कि सारी चीजें आपको दे दें, लेकिन जैसे भैया ने इतने क्वेश्चंस पूछे तो इतना डिटेल्स में हम नहीं दे पाते हैं मैगजीन के अंदर। तो फिर भी अगर आपको इनमें कोई डाउट होता है या आपको लगता है कि कुछ गलती हो गई, देखिए ह्यूमन नेचर, कभी भी एरर हो सकती है, कई बार डेट भी गलत जा सकती है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो कई बार अगर आपको कोई डाउट लगता है किसी चीज पर तो आप ना एक बार मेल कर सकते हैं हमें कि भैया ये ना मुझे डाउट लग रहा है कि आपसे ये मिस्टेक तो नहीं हो गई। हमारी टीम कोशिश करेगी उस मेल का रिप्लाई आपको कर दे, मैगजीन से रिलेटेड कोई कंटेंट होगा तो। और आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर हमारी जो है ना मई 22 की मैगजीन तैयार हो गई है। तो अगर अभी तक आपने मैगजीन को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप हमारी मैगजीन को सब्सक्राइब करा ले, इसमें बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा। और आपको एक चीज और बता दूं, भैया के साथ मिलकर हमने एक नया बिजनेस शुरू करा है जिसमें ना आप अपनी ना मार्केटिंग कर सकते हो, ब्रांड बना सकते हो। जैसे आप लोगों को अपने क्लाइंट्स को ड्यू डेट भेजनी है, आपको अपने स्टेटस पे लगाना है, डीपी पे लगाना है, फेसबुक पे लगाना है, यूट्यूब पे लगाना है, तो आप इस तरह के हमसे बना सकते हो। हम आपको फ्लायर्स पैम्पलेट्स बनाकर देंगे, पूरे साल के बनाकर देंगे, जिसके लिए हम नॉमिनल चार्ज लेंगे, उसमें सारी ड्यू डेट्स आपको बताएंगे और उसके साथ साथ जो भी फेस्टिवल्स वगैरह की विशेज होती है वो भी हम आपको शेयर करेंगे। तो अगर आप ये वाली हमारी सर्विस लेना चाहते हैं तो हमारे इन नंबर पर व्हाट्सएप करके ये सर्विस भी ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना, और अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करना, और अगर जितने भी आपके दोस्त हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराना। भैया इसमें और कुछ कहना चाहेंगे? कपिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने अच्छे तरीके से लोगों को समझाया, हमें समझाया, और मैं उम्मीद करता हूँ सभी को ये बात समझ में आई होंगी और आगे के लिए वो मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जरूर लेंगे। मई के महीने की मैगजीन आने ही वाली है तो उसका सब्सक्रिप्शन जल्दी से जल्दी करा लें। और भैया का भी एक चैनल है श्योर सो प्रोफेशनल के नाम से, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करा लें, उस पर भी बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिलती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।